बेवा के लिए शादी करने का सही वक्त कब है? नीज ये भी बताएं कि ऐसा शख्स जिसकी बीवी ना हो उसके लिए भी क्या हुक्म है? अच्छा जी, बेवा के लिए और ऐसा शख्स जिसकी बीवी ना हो, बड़ा अजीब सा लफ्ज़ होता है, मैं उस लफ्ज़ को कॉपी नहीं करूँगा, लेकिन इन दोनों के लिए, यानी बेवा ऐसी औरत जिसका शौहर ना हो और ऐसा मर्द हो जिसकी बीवी ना हो, यानी कि शादी के बाद तलाक हो गई या मुतल्लका हो गए या बीवी या शौहर का इंतकाल हो गया। इस सूरत के अंदर निकाह करने की दो शर्तें, एक शर्त तो ये कि निकाह की ज़रूरत हो और दूसरा मियाँ बीवी के जो अज़दवाजी ताल्लुकात होते हैं उनको अदा करने की सलाहियत मौजूद हो, उन हुकूक़ को अदा करने की सलाहियत मौजूद हो। यानी कि ये दोनों शर्तें वही की वही हैं जो पहले निकाह की है। दूसरी शादी के लिए भी वही शराइत हैं जो पहली शादी के लिए शराइत हैं, यानी कि निकाह की ख्वाहिश हो, निकाह की ज़रूरत हो और हुकूक़ अदा करने की जो है ताकत मौजूद हो। तो लिहाजा ये दोनों मियाँ बीवी, यानी कि ये मर्द और औरत, इस तरीके से निकाह करना चाहें तो निकाह कर सकते हैं, जिस वक्त चाहें उस वक्त निकाह कर सकते हैं। वल्लाहु आलम।